इंदौर के होलकर राजवंश की महारानी देवी अहिल्याबाई अपनी दानशीलता और राजकाज के लिए देश भर में पहचानी जाती हैं, तो उनके रियासत काल में पानी और पर्यावरण के कामकाज कई सदियों के बाद भी एक मिसाल है। मिनी मुंबई कहलाने वाले प्रदेश का सबसे चमकीला शहर इंदौर बीते 5 सालों से स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब लगातार जीत चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इसी इंदौर को अब पानीदार बनाकर ग्रामीण विकास की एक नई इबारत रची जा रही है। 100 से अधिक सरोवरों का निर्माण कर ग्रामीण इलाकों में नई जल क्रांति का बिगुल फूंका जा चुका है। इन सरोवरों से सिंचाई के साथ भूजल स्तर में सुधार, किसानों की आय में बढ़ोतरी, आजीविका, पर्यटन, तीर्थाटन, पर्यावरण सुधार और वीर शहीदों की सरजमी पर उन्हें याद कर देशभक्ति का भाव जगाया जा रहा है। इसी इलाके में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव से जिन 7 नदियों का उद्गम हुआ, उसी पवित्र स्थान के आसपास वर्षा की अमृत बूंदों को सहेजने के लिए सरोवर तैयार किए गए हैं। ये अमृत रूपी जल धरती की रगों से बहते हुए किसानों की सोना उगलने वाली मिट्टी को उर्वर तो किसानों को मालामाल बनाएगा। हमको किसान के लिए पानी मिल गया तो पानी क्या अमृत मिल गया, हमको तो बहुत अच्छे मिले किसान के लिए। गांव की महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाकर इन सरोवरों के जरिए आजीविका के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। महिलाएं मछली पालन और पौधारोपण से आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर बनेंगी। इस नवाचारी पहल से इन महिलाओं के चेहरों पर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास दमक रहा है। पोषण वाटिका लगाएंगे, उसकी देखरेख करेंगे तो उसमें भी फल आएंगे, तो हम बेचेंगे तो हमारे समूह में सहायता मिलेगी, हमारे बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में मिलेगा और हमें रोजगार मिलेगा, जिसे हम आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम यहीं पे हमारा कारोबार जो है हमारा छोटा मोटा बिजनेस चालू कर सकते हैं। मछली को बेचेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा सर हमको उससे। दूरस्थ जंगल के बीच पहाड़ों की तराई में बसे बैगा और उमट गांव में रहने वाले आदिवासियों के लिए पशुधन ही आजीविका का प्रमुख जरिया है। सरोवर निर्माण से मवेशियों के लिए पानी मिलेगा तो पशुपालन, दूध उत्पादन और मावा बेचने के कारोबार में नई उम्मीदें जाग गई हैं। गाय भैंस लाएगा तो दूध बढ़ेगा, तो कुछ लाएगा धीरे धीरे, सब कोशिश करेंगे, मतलब पानी रहेगा तो सब काम हम कर सकेंगे। कभी कभी बाहर जाना पड़ता था, जब भेजते थे वहाँ जाते थे दूसरी जगह गांव में शहर में, इसलिए तालाब बनने से हीं पे हमको काम मिला और रोजगार चल रहा है। सरोवरों से नल जल योजना में ग्रामीणों के लिए पीने का पानी मिल सकेगा, वाइल्ड लाइफ के लिए भी सरोवर जीने का सहारा बनेंगे, कुओं और ट्यूबवेल में जल स्तर बढ़ने से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। इन्हीं सब फायदों के चलते लोगों ने भी सरोवर निर्माण के काम में आगे बढ़कर हाथ बटाया। सरकार ने उनका फर्ज निभाया, हमने हमारा फर्ज निभाया। इस अमृत सरोवर तालाब से हमारे खेतों में अमृत बरसेगा और आमदनी दोगुनी होगी। पहली बारिश इस बार जैसे ही हुई वैसे ही हमारे यहाँ तकरीबन 20 कुएं और 25 बोरिंग ऐसे हैं इसके आसपास के, जिनमें पानी पहली बारिश में ही आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2-3 बारिश हो जाती थी उसके बाद पानी आता था। अमृत सरोवरों के निर्माण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने सतत मॉनिटरिंग की। इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह की पहल पर सरोवरों के लिए कई स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त भी कराया गया। तकनीकी टीम ने साइट सिलेक्शन के बाद लोगों को प्रेरित किया। मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटर शेड योजना के अंतर्गत सरोवरों का निर्माण कराया गया। तकनीकी टीम ने पडल निर्माण, हटिंग एवं केसिंग, स्लोप लेबलिंग और स्टोन पिचिंग कराई। दिल्ली से आई जल शक्ति मिशन की टीम ने भी सरोवर निर्माण का जायजा लिया। इंदौर जिले में कुल 101 सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 11.7 लाख घन मीटर पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इससे 566 किसानों की 823 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। अब तक 53 सरोवरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सरोवर निर्माण के दौरान 1.64 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सरोवरों से 38 स्व सहायता समूहों को जोड़कर 402 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अमृत सरोवरों के माध्यम से सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ेगा और साथ ही चूंकि ये वाटर रिचार्जिंग का बड़ा अच्छा स्रोत है तो इससे पेयजल समस्या का भी आगामी समय में निराकरण होगा। अभी आदिवासी वर्ग में बड़ा उत्साह है इस बात को लेके कि पानी का जल संरक्षण जो किया जा रहा है, इससे उनके ट्यूबवेल्स में जो रिचार्जिंग हो रही है या उनको जो खेती में सहयोग मिल रहा है, लगभग हमारे जो 101 अमृत सरोवर बन रहे हैं
इसमें 800 हेक्टेयर लगभग कवर हो रहा है हमारा, जिसमें खेती होगी। जिसमें माँ अहिल्या की ये नगरी है, माता अहिल्या ने भी अपने जीवन काल में इस मालवा में, मालवा के अलावा बाहर बहुत सारी वाटर बॉडियों का काम किया है, और मुझे लगता है वही पुण्य काम माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कर रहे हैं, और इंदौर में भी वो काम हुआ है।